स्वाति मालीवाल ने जानबूझकर चुना था अरविंद केजरीवाल का ड्राइंग रूम। कोर्ट में विभव का बयान सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। सुनवाई के दौरान कोर्ट में रो पड़ी स्वाति मालीवाल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका को लेकर 30,000 कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट से कहा, ये याचिका सुनवाई के योग्य है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में स्वाति मालीवाल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 308 के तहत केस दर्ज किया, जिस पर 30,000 सत्र न्यायालय में सुनवाई चल रही। कोर्ट में विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने दलील देते हुए कहा, स्वाति के पास मुख्यमंत्री से मिलने का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, फिर भी वो मिलने सीएम हाउस चली आई। उन्होंने अपने सुविधा अनुसार जानबूझकर ड्राइंग रूम को इस विवाद के लिए चुना। विभव के वकील ने कहा, स्वाति के साथ अगर मारपीट हुई तो वो मेडिकल जांच के लिए 3 दिन बाद क्यों गई? उनको सीएम हाउस में एंट्री के दौरान सुरक्षाकर्मी ने भी रोका था, लेकिन उन्होंने उस दौरान कहा था, आप एक सांसद को नहीं रोक सकते। 30,000 कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को अपना जवाब दाखिल करना है। इस मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका की अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। कोर्ट ने आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल भी मौजूद, जबकि विभव कुमार पुलिस की हिरासत में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई आप सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पीए पर मारपीट का आरोप लगाया। स्वाति के साथ मारपीट की घटना सीएम हाउस में हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने स्वाति मालीवाल की दलीलें सुनी। ऐसी पहली बार था जब स्वाति से अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की बात की गई थी। वहीं स्वाति को सुरक्षा में लगे लोगों ने वोटिंग रूम में इंतजार करने को कहा। इसी दौरान आरोपी विभव कुमार वहां पहुंच के स्वाति से अपॉइंटमेंट की बात करने लगे, जबकि घटना के दौरान वहां मौजूद सभी लोग विभव के प्रभाव वाले थे। इसे पता चलता है कि वो कितना शक्तिशाली है। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के बाद इस बात की चर्चा थी वो राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे सकती हैं, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में क्लियर किया वो इस्तीफा नहीं देंगी। इस बात की चर्चा की जा रही थी आप स्वाति की जगह सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का केस लड़ रहे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को भेजना चाहती है।